أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل الله على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتحرهم تطهيرا اللهم صل الله على محمد وَلَّا دامت الباقي لعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات من <applause> سورة سجدة की आयत नंबर ट्वेंटी फोर की तलावत हमने आपके सामने पेश की है जिसमें खुदा वंद आलम का अलान है कि हमने लोगों में से कुछ लोगों को इमाम और रहनुमा और हादी बनाया है और उनका मकसद क्या है यहदून नब अमरना कि लोगों की हिदायत करते हैं हमारे हुक्म और हमारे फ़रामीन से और क्यों खुदा वंदम ने कुछ लोगों में ये सलाह ये मनसब दिया है कुछ दूसरों का नहीं दिया है इसलिए कि खुदावंद आलम ने जब पोटेंशल को देखा है दो चीज़ों को देख रहा था लम्मा यह सबर पहली बात ये थी कि उनमें सब्र का अ तरीन लेवल होना चाहिए वकान न युकिन और हमारी आयात पर मुकम्मल यकीन का दर्जा होना चाहिए सब्र यकीन एक लिहाज से इस आयत के लिहाज से मीर इमामत बना है कि खुदा का इंतब जो है इन इन दोनों सलाहियत और पोटेंशल के बुनियाद पर है गुज्त दो गुफ्तु हमारी इमाम ज़ैनलाबी सलाम के सिलसिले में थी जिसमें हमारी कोशिश थी कि जो लाशरी तौर पर कुछ लोगों में जो तस्वुर है कि इमाम जो हैं आबिद बीमार थे यकीन उस टाइम के लिहाज से उस मौके के अतबार से आशुरे से कुछ पहले और आशूर के कुछ बाद इमाम यकीनन बीमार थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नौजबिल्ला इमाम पर इमाम को, को कोई बीमारी लाइक थी उससे पहले भी हमेशा रहे बीमार या बाद में भी बीमार रहे इसलिए कि फिर लाशुरी तौर पे वो तसवुर पैदा हो जाता है कि ये इमाम जो हैं बहुत ही कमज़ोर और मजबूर थे नहीं इमाम में भी वही शजात थी जो हजरत इमाम हुसैन आलम में थी इमाम के पास इल्म फ़ज़ल वही था जो खुदा वंदम ने दूसरे आइम्मा को दिया है दर्जात अलग अलग हैं लेकिन जहाँ तक फजीलत की बात है सलाहियत की बात है इमामत के लिए और लोगों के हिदायत के लिए उसमें सब के सब जो हैं यकसा थे हाँ हर इमाम ने अपने हालात के लिहाज से अपने सरकमस्टांसिस के लिहाज से अपनी अमली अम्यल, को किया है अपने तदबीर को मंतखब किया है ताकि उन जमाने के हालात के लिहाज से जो हदायत का सिलसिला है वो लोगों तक पहुँचा सकें इमाम जैन सलाम ने जहाद ब सैफ़ नहीं लड़ी है बल्कि इमाम ने जो तरीक़ा अपनाया था उसे जो ज़ुनवान हमने आपके सामने पेश किया है कल और परसों के मडलिस में वह है जहाद बिलसान जियाद के दरबार में आप देखें खुद यजीद मलून के दरबार में आप देखें या बीच बीच में जहाँ जहाँ बातें हुई हैं इमाम ने हक को हक़ानीत को वाज तौर पर पे वहाँ पेश किया है बल्कि अगर पहली बार वाक़त करबला के बाद अगर रोए हैं लोग मसाब इमाम हुसैन आसलम के सिलसिले में तो वो यजीद के दरबार दर्दा, दर्दा, में रोए हैं वो भी इमाम जैन अलाब्दीन के ख़ुतबे के आखिरी हिस्सों को सुनने के बाद तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो इमाम ने हासिल की है कि ख़ुद यजीद के दरबार में हुसैन अल अली के मज़ालिम पर शामी मज़मा ख़ुद जो है रो पड़ा है सलावाद दें एक बार और आज हम इमाम जैनम के कारनामों के सिलसिले में इमाम के जो इल्मी कारनामे थे उसके बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहेंगे इसलिए कि इल्म वो दौलत है जो खुदा वंदम ने अपने मंतख बंदों को दिया है जिनको रहनुमा और इमाम बना के भेजा है चाहे वो नबी के शक्ल में हो या रसूल हो या इमाम मनसूस मिनल्ला हो और ये सफ़त इल्म की जो है ये बुनियादी है मसला आप जनाब ईसीम के सिलसिले में जो मशहूर वाक़ है कि आप देखें कि जनाब मरियम आती हैं ईसा को लेके जब अपने बस्ती में आई अपने शहर में आई तो बहरहाल एक फ़िक्र थी कि मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे कौम के लोग जब देखेंगे मुझे नोमूद बच्चे के साथ तो बातें बनाएंगे और खुदा वंदम ने बेसिकली ये कुरान के वो अल्फाज नहीं है हम अपनी इंसानी जबान में ये आपके सामने पेश कर रहे हैं कि लगता है खुदा वंद आलम ने जनाब मरीम से कहा कि तुम अपने इज्जत के फ़िक्र मत करो दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम दिस इज़ माई प्रॉब्लम हम जमानत देते हैं कि आपकी इज़्ज़त और आबरू जो है महफूज रहेगी और खुदा ने क्या कहा, कहा कि देखो जब लोग तुमसे इस सिलसिले में सवाल करेंगे तो तुम बच्चे की तरफ इशारा करना सरे मरीम की वो आयात हैं कि जहाँ जब वो लोग आए और लोगों ने कहा कि अय मरीम तुम्हारे वालदे जो हैं बड़े नेक लोग थे ये क्या हुआ उस पर जब इशारा किया है बच्चे की तरफ तो अब ये गालिबा ईसा जो हैं कितने एक हफ़्ते के रहे होंगे और ज़्यादा नहीं तो लोगों ने कहा कि आप मज़ाक बना रही हैं कि हम एक नौलूद बच्चे से बात करें उस वक्त खुदा वंदम ने जनाब ईसा को गहवारे में अभी हैं शिरखार बच्चा है लेकिन वो क़वत गो, गो, गोयाई दी है और वो बोल पड़े इन्ब्दुल्ला आतान किताब व जल नबी यानी इन अल्फाज की तरतीब भी बड़ी इंटरेस्टिंग है सबसे पहले कहते हैं कला इन्ब्दुल्ल कि हम जो हैं खुदा के बंदे हैं जिन हज़रात को अम्बिया और मसरिन आइम्मा के इल्ब के बारे में शक है वह सुन लें अभी तो ये गहवारे में हैं शीरखार बच्चा हैं लेकिन अभी से ऐलान कर रहे हैं कि देखो आइंदा कि तुम हमें इब्नुल्लाह कहोगे हम खुदा के बेटे नहीं हैं बल्कि हम खुदा के बंदे हैं रोज़ अव्वल से ऐलान कर रहे हैं किताब खुदा ने मुझे किताब दी है ये इंजील नहीं है इसलिए कि अभी तक इंजील नाजिल नहीं हुई थी ये तो अभी एक हफ़्ते का बच्चा है यहाँ किताब से मुराद इल्म है खुदा वंदम ने मुझे इल अता है वह जली नबी और खुदा ने मुझे नबी बनाया है आप यहाँ देखें कि पहले इलम का जिक्र हो रहा है नबूत का जिक्र बाद में हो रहा है यानी जो खुदा की तरफ से आता है रहनुमा बन के खुदा उसे तमाम सलाहियतों के साथ और फजाइल के साथ नवाज के भेजता है जो रहबरी और हिदायत के लिए ज़रूरी है सलावा पढ़ने इसी सिलसिले हिदायत की एक कड़ी है इमाम जयलम वाक़ात करबला के बाद शिया कौम बहरहाल मोराल के लिहाज से टोटल डाउन थी और इमाम ने जो अपने बाबा के पैगाम को फैलाने की बात कि उसमें एक और अहम बात थी ये थी कि किस तरह से इस कम्युनिटी को मुतहद किया जाए उसके लिए इमाम ने ये रोना का सिलसिला आजाद आजादारी का सिलसिला बुका का सिलसिला शुरू किया और उसकी तफसीलात आज हमको बयान नहीं करना इन शाला किसी और मौके पर इस पर गुफग होगी ये जो सिलसिले अजा है लोगों को मास एजुकेशन का जो तरीक़ा है ये दर हकीकत जनाब ज़ैनब और इमाम सजाद की दें है और ये अजा के ज़रिए रोने के ज़रिए जो है एक लिहाज से शिया कौम को हुसैन इब्न अली के पैगाम से करीब ले आए हैं इसलिए कि जो जज्ब वो जो इमोशनल जो अटैचमेंट होता है जज्बाती जो ताल्लुक होता है वो बहुत ही मजबूत होता है उसके बाद फिर आप आ, आ, अकली ताल्लुक की बात कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा जो इमाम ने काम किया था वो है इलमी कार, कारनामा यानी शिया कौम के मालूमती लेवल पर को बार और बालतर लाया जाए ताकि वो अपने दीन और दीन के मफाहिम से वाकिफ़ हों अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें दूसरों के सामने अपना दफा कर सकें और इस सिलसिले में ये ये जो दरसगाह की बात होती है एजुकेशन की बात होती है फ़ॉर्मल तरीक़े से अगर पूछा जाए तो इसकी बुनियाद इमाम जैनदीन रखिए ये बात सही है कि हम लोग कहते हैं कि हमारी फ़िक जो है फ़िक जाफरी है लेकिन हमें देखना चाहिए कि ये एक वैक्यूम में ये डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे बल्कि बुनियाद रखी थी इमाम जैनदीन ने उसको मज़ीद आगे बढ़ाया है इमाम मोहम्मद बाकर सलाम ने और ये सिलसिला पर पहुँचता है इमाम जाफर साल के ज़माने में सलवा पढ़ने एक बार और तो ये फ़िक और इल्म की बुनियाद जो है ये चौथे इमाम ने रखी है मसलन जहाँ तक दर्स की बात है तदरीस की बात है तरबियत की बात है जो रवायात हम लोगों को मिलती है मुख्तलिफ सईद सद बिनसीब की रवायत है कि हर जुमे के दिन शाम के वक्त इमाम मस्जिद नबी में जाते थे और अपने असहाब को जमा करते थे और ख़ुतब बयान करते थे यानी ये वीकली फंक्शन था इमाम का कि हफ्ते हف, में एक बार कम से कम जो है लोगों को मस्जिद नबी में जमा करते थे और अपने खुतबे के ज़रिए उनकी तरबियत फरमाते थे एक और मिसाल आप देख लें जनाब अबू हमजे शुमाली बहुत ही वफ़ादार और साब इल्म सहबी हैं इमाम के और ये ये जो है दर हकीक़त इनकी एक रिवात बड़ी इंटरेस्टिंग है वो लि, लिखते हैं कि इमाम सज्जाद जब जुमे के दिन शाम के वक्त मस्जिद में खुतबा देते थे तो अक्सर हमारे अहब जो है अपना का कदम व कागज़ लेके जाते थे और इसे नोट करते थे और अगर हम या कोई और अगर वहाँ नहीं थे तो हम अपने साथियों से जाके उनकी उस कापी को देखते थे और उसको हम नोट करते थे बल्कि अब वमज़ शुमाली की ये भी रिवायत है कि हमें दूसरों से जब हमने नोट किया है तो फिर हम ख़ुद इमाम की खिदमत में जाते थे और उनके सामने पेश करते थे कि आप ये देखें कि इसमें भी कोई असलाह की ज़रूरत है या ये सही है तो यानी ये सिर्फ एक ज़बानी बात नहीं थी बल्कि इमाम के अहब जो हैं इमाम के ख़ुतबों को लिखते थे और आ, आ, जो बाद में आते थे कॉपी बनाते थे और अब हमज़ शुमाली जैसे लोग जाके इमाम की खिदमत में उस ट्रांसक्रिप्ट को पेश करते थे ताकि वो देख लग देख सकें कि इमाम इसकी तइद करते हैं या नहीं करते हैं या इसमें कोई बात जो है भूल चुका है या सुनने वाले ने सही तरीके से समझा नहीं है तो इससे अंदाज़ा होता है कि एक सिस्टम था जो इमाम ने क़ायम किया था और इसी तरह से ये पाँचवें इमाम के ज़माने में और आगे बढ़ता है और छठे इमाम के ज़माने में जैसे हमने कहा अपने रूज पर पहुँचा है एक और सिलसिला जहाँ तक इलमी ख़दमत की बात है वो तसनीफ़ की बात है देखिए अमीर इमिन की एक किताब है मशहूर लेकिन वो अभी तक हमारे पास पहुँची नहीं आइम्मा के ज़माने में थी जिसमें अक्सर मसला किताब अली का जिक्र मिलता है या आ, आ, मिरास की एक किताब थी अक्सर छठे इमाम जो हैं कभी कभी असाब अगर पूछते थे तो इमाम कहते थे रुको हम किताब अली में देखते हैं तो ये कुछ चीज़ें थी जो इमाम मोमिन ने लिखी थी लेकिन हमारे हम तक नह, नहीं पहुंची है आइम्मा के ज़माने में थी बलागा अमीर मोमिन का कलाम है लेकिन खुद अली ने लिखा यह नहीं था या कंपाइल नहीं किया था ये तो चौथी सदी में आके सद रजी ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ोज़ से इन चीज़ों को जमा किया ख़ुतबे और लेटर्स और अकवाल के अनवान से एक मजमू मुरतब किया जिसका नाम उन्होंने नेहरू बलागा रखा है। लेकिन अगर कोई रिटर्न बुक किसी इमाम के हमारे पास आई है तो वो सबसे पहले जो है इमाम जी सलाम किए दो तसनीफ़ा हैं इमाम की एक मख्तसर है उसका नाम है रसालतलूक़ और हम चाहेंगे कि यही दो तसनीफ़ात जो इमाम की हैं उसको आपके सामने इंट्रोड्यूस करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इमाम ज़ैन अलाब्दीन का कंट्रीब्यूशन हमारे कौम की बका के लिए ब, आ, कौम के इलमी सतह को बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम रहा है और खूस बहुत ही हसास दौर में इसलिए कि ये वाकियात करबला के, बा, के बाद का दौर था शलवाद पढ़ने एक बार और रिसालतलू जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा होगा चार्टर ऑफ राइट्स ये हूक़ हकूक़ जो है राइट्स पर एक रिसाल इमाम ने लिखा था और इसके रावी इंटरेस्टिंग वही हैं अब हमज़ शुमाली जिनका नाम हमने पहले लिया है और इसको सदूक ने शेख सदूक और शेख कोलैनी ने और नजाशी ने भी इसके संद बयान की लिहाजा ये रसाला जो है ये मुस्तद है इसमें कोई शक व की गुंजाइश नहीं है हाँ उसके बाद वाली एक मशहूर किताब है तोहफ़ तहफ़ अक़ूल जिसमें इबन शो शोब ने उसको उस रसाले को भी लिखा है लेकिन उन्होंने हवाला उसमें आ, सनत का नहीं दिया है लेकिन ये रसाला इतमान के साथ ये चौथे इमाम का रसाला है और इसमें इमाम ने आ, फिफ्टी राइट्स का जिक्र किया है पचास हकूक़ का जिक्र किया है अलबतः जब राइट्स की बात होती है तो ये जहन में रखना चाहिए कि ये फ़िक्ही किताब नहीं है moral, moral, इस नॉट ए लीगल डॉक्यूमेंट दिस इज़ मॉरल मोरल एथिकल डॉक्यूमेंट ऑफ़ इमाम जैनदीन इसमें ज़्यादा जो है अख़लाकी पहलू से चीज़ों को देखा देखा गया है मसला इसमें सबसे पहले हक़ जो है खुदांद का जिक्र होता है उसके बाद ख़ुद इंसान के अपने हकूक़ का जिक्र होता है जिसमें तकरीबन सात हकूक़ का ज़िक्र है उसके बाद इबादत का हक हम पर क्या होता है जैसे नमाज है रोज़ा है हज है ज़क़़़ है उसमें भी तकरीबन पाँच हकूक़ हैं और उसके बाद गवर्नमेंट और अथॉरिटी यानी अगर माशरे में कुछ लोग हैं जिनको आप पर बरतर, बरतरी दी गई है तो उस बसला टीचर के ऊनवान से और इसी तरह से अगर हाकिम की बात होती है उसमें भी तकरीबन पाँच हकूक़ का जिक्र किया है इमाम ने फिर फैमिली लाइफ पर आठ अलग अलग केसेस हैं हकूक़ के जिसका इमाम ने उसका जिक्र किया है कम्युनिटी में जो मुख्तलिफ रिलेशनशिप इंटरेक्शन होता है लोगों का उसमें तकरीबा दस हकूक़ को इमाम ने आ, लिखा है फिर जहाँ तक तजारत वर्क प्लेस एंड बिज़नेस लाइफ की बात है उस उस सिलसिले में भी इमाम ने तकरीबन आठ सिचुएशंस का जिक्र किया है आठ हुकूक वहाँ लिखे गए हैं और फिर माशरे के बारे में सोसाइटी एट एट लार्ज जनरल जिसमें एंड होता है कि गैर मुस्लिम के हुकूक मुसलमानों पर क्या हैं एक इस्लामी माशरे में तो ये दर हकीकत एक मोरल कोड ऑफ़ मॉरल एंड एथिकल टीचिंग्स हैं इस्लाम के सिलसिले में तो ये बात हम यहाँ ताक़ीदन कहना चाहेंगे कि ये फ़िक्र की किताब नहीं है ये मसल मसाइल की किताब नहीं है बल्कि ये अखलाकी पहलू को चीज़ों के बयान करती है ये किताब मसलन आपको अगर नमाज़ का तरीका सीखना है तो आपको तोजुल तोज़ालमसाद की तरफ जाना पड़ेगा आइम् की दूसरे अहदीस की तरफ़ जाना पड़ेगा फ़ीरी किताबों को देखें लेकिन अगर नमाज के रूह को समझना है तो आप फिर रसारतूक़ की तरफ़ जाएंगे। रोज़े के अहकाम को समझना है तो फ़ीरी किताब की तरफ़ जाइए र... रोज़े के फ़लसफ़े को समझना है उसके रूह को समझना है तो रसारत अक़ाक़ की तरफ़ जाइए इसमें जो अहम बात है वो ये है कि देखिए और ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है इस्लाम में खसूस इस्लाम में जो आपको दूसरी जगह बहुत कम मिलेगा कि जहाँ तक हक की बात है राइट्स की जो बात होती है ये हक जो है कभी भी वन साइड नहीं होता है एक जमाना था ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले जहाँ मतलान बादशाह होती थी तो वहाँ तमाम राइट्स जो है बादशाह के होती थी जो रईया और हैं उनके कोई आ, 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 राइट्स नहीं होते थे उनके सिर्फ ड्यूटीज़ होती थी ये तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद हालात बदले हैं कि भाई सिटीज़न्स और पब्लिक के भी कुछ हकूक़ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना ये हुआ वो हुआ लेकिन इस्लाम में चौदह सौ साल पहले सबसे पहले क्लियर डेफिनेशन के जहाँ तक राइट्स की बात होती है हुकूक की बात होती है यह कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है इसका क्लियर डेफिनेशन और बयान जो है आपको अगर मिलेगा इस तारीख इस्लाम में तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने नब सलाम की जबान से मिलेगा सलावत पढ़ने वबी अली ने इस तस्वूर को जो पेश किया है ये नहीं आ, है कि मसला किसी आ, सेमिनार में या लीगल कॉन्फ्रेंस में या आ, मेंबर पर या ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी के नहीं मोमिनिन का वो खुतबा जिसमें मोमिनिन ने इसमें जो बात की है नजर में वो खुतबा मौजूद है सिफीन में है यानी जंग के हालात में भी अमरमिन मौका तलाश करते हैं कि भई अपने इलम से उम्मत को मुस्तफ़ीज़ करें और वहाँ वो बयान करते हैं कि देखो हक जो है एक तरफा नहीं होता है अगर एक तरफ़ा है तो सिर्फ ज़ात खुदा आलम के लिए है लेकिन जहाँ तक इंसानों की बात है फिर मिसाल देते हैं कि हम हाकिम हैं तुम महकूम हो हम तुम्हारे रूलर हैं तुम हमारे सिटीजन्स हो फरमाते हैं जितना हक मेरे पास है मेरा हक होता है तुम पर उसी की तरह तुम तुम तुम्हारे भी कुछ हुकूक हैं जो हम पर होते हैं इट इज़ ए म्यूचुअल इशू वन साइड नहीं है बल्कि हम यू कहेंगे कि अगर आप हक की बात करते हैं दिस इज वन साइड ऑफ द कोइन द अदर साइड ऑफ द कोइन इज ड्यूटीज अली कहते हैं किसी भी इंसान के पास किसी भी सिचुएशन में अगर हक उसके लिए रखा गया है तो एक करस्पोंडिंग ड्यूटी भी होगी आजकल का माशरा क्या है हमारे यहाँ सबको फ़िक्र अपने हक़ की होती है ह्यूमन राइट्स के मसले को देखें मुख्तलिफ राइट्स के मसले को देखें वमेन्स राइट्स के इश्यूज को देखें सब अपने हक़ की बात करते हैं वो सिक्के की दूसरी तरफ नहीं देखते हैं कि भाई जहाँ हमारे हक़ की बात हो रही है उसके साथ साथ कोई फ़र्ज़ भी खुदा वंद ने हम पर आयद किया है और इसी इम्बेलेंस एटीट्यूड की वजह से आप देखेंगे तमाम झगड़े होते हैं और उसमें कभी भी सॉल्यूशन सही मानों में हासिल नहीं होता है मसलन आप देखें अगर साइल का हक़ होता है तो मसकूल को भी का हक़ होता है मुशीर जो है उसका हक़ होता है तो मुशार का भी हक़ होता है हाकिम है तो महकूम का भी हक होता है वालदे के अगर हकूक़ हैं तो औलाद के भी हकूक़ होते हैं इमाम का अगर हक है इमाम जमात का तो मामूमिन के भी हकूक़ होते हैं मालिक का अगर हक है तो नौकर का भी हक़ होता है तो ये यू नो टू साइडेड इशू है और इमाम जन्मीम ने, ने यहाँ जो हकूक़ का बयान किया है फिफ्टी उतने तफसीली भी नहीं हैं हम आपको एक यहाँ पर सजेशन देंगे कि आप कम से कम उस रिसाले को पढ़ें तो सही इट्स नॉट अ वेरी थिक बुक इट्स नॉट अ वेरी एलोबोरेट यू नो डॉक्यूमेंट ये एक छोटी सी किताब है और अगर आप चाहें तो हफ्ते में एक दिन एक राइट पर आप मुता करें किताब ले लें और उसे आप स्टडी करें हफ़्ते में एक दिन मुकर कर लें कि उस दिन हम एक हक जो है रसारतूक़ से पढ़ेंगे अगर आप हर हफ्ते एक एक राइट पर पढ़ते रहें तो एक साल के अंदर अंदर आप इमाम जो के रसार से मुकम्मल तौर पर आशना हो जाएंगे। और आशना होने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सकती है सलाबाद पढ़ने एक बार और दूसरी तसनीफ़ इमाम की जो है वो दुआ के अनवान से है दुआ सहीफ़ सज़ादिया या सहीफ कामिला जिस जिसवान से भी आप जानते होंगे यकी ये किताब भी मशहूर है बहुत रसाल रसालूक भी मशहूर है वह आपको उर्दू में भी मिल जाएगा अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगा ख़ुद हमारे वालद मरहूम ने उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किया था और अभी कुछ दो या तीन साल पहले हम लोगों ने उसको रिवाइज़ करने के बाद हमारी एक कॉमेंट्री है रिसारतूक़ की उस कमेंट्री के साथ उस किताब को हम लोगों ने शाया किया है वो भी अवेलेबल है तो अब ये ज़माना नहीं है कि आप कहें कि भाई ये किताबें जो हैं सिर्फ़ अरबी में हैं या फारसी में हैं या सिर्फ उर्दू में हैं अंग्रेज़ी में भी आपको मिल सकती है और उर्दू में भी उसका तर्जुमा आपको मिल सकता है जहाँ तक सहीफ सजादिया या सैफ़ कामिला की बात है जिसे हम ज़बूर आल मोहम्मद कहते हैं यहनवान भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्यों ज़बूर कहते हैं बच्चों को जब हम आसमानी किताबों के सिलसिले में पढ़ाते हैं तो हम नाम देते हैं कि चार किताबें हैं तोरात इंजील ज़बूर और क़ुरान अब ये सिर्फ चार किताबें नहीं नाजिल हुई थी लेकिन चार मशहूर किताबें जो हैं वो ये हैं इसमें ज़बूर को यहाँ रिलेट किया गया है कि सैफ़ सज्जादिया जो है वो ज़बूर आल मोहम्मद है इसलिए कि तौरात इंजील और क़ुरान जो है ये मजमू है इसमें अक़ायद भी हैं फ़िक भी हैं अखलाक भी हैं तारीख़ भी है सब कुछ है लेकिन ज़बूर जो है जो जनाब दाऊद सलाम को दी गई थी ये सिर्फ दुआओं का मजमू है चूँकि वह दुआओं की किताब है लहजा उसी समिलारटी को देखते हुए हमारे ये, ये कहा जाता है कि सहीफ सज्जा दिया जो है ज़बूर आल मोहम्मद है पढ़ पढ़ने एक बार और ये इल्मी सरमा भी आ, इमाम ने लिखा है और इसके दो दो सनद मिलती है एक कॉपी उन्होंने अपने बेटे जैद को दी थी जैद शहीद और एक कॉपी दी थी अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को और दो सनत से हमें ये सैफ़ सजादिया हमें मिलती है आलम इस्लाम में अगर आप देखें ये जो ख़जीना है हमारे पास दुआओं का सहीफ़ सजादिया हो दुआ कुमैल हो दुआ अबो हमज़ शुमाली हो या दूसरी दुआएं जो हैं मफ़ाती में आप देखते हैं ये वो ट्रेजर है इल्मी कि जो आपको किसी और मज़हब में नहीं मिलेगा जिस जिसवान से अहल बैत ने हमें तालीम दी है कि खुदा वंद आलम से किस तरह से गुफगू करो गुफ्तगु का अंदाज़ क्या होना चाहिए खुदा से माफ़ी मांगनी है तो किस तरह से किए किया जाए खुदा से अगर कुछ मांगना है अपने लिए तो क्या अंदाज़ अपनाया जाए ये बेहतरीन तरीक़ा आपको और कहीं आलम इस्लाम में नहीं मिलेगा सिवाए घरान अहल के और ये किताब इतनी अहम है इसके बारे में हम आपको हिंदुस्तान के एक मशहूर शेम का वाक़ पेश करना चाहेंगे मरहूम सैद मुशतबा हसन कामिनपुरी साहब अलीगढ़ के थे बहुत ही मशहूर मुहिफ़ थे और ये पहले हिंदुस्तानी थे तलब इम जो गए थे अल-अज़र यूनिवर्सिटी में मिस्र में पढ़ने के लिए और वहाँ से वो ग्रेजुएट होकर वापस आए थे तो जिस ज़माने में वो मिस्र में थे तो वो अपने साथ कुछ किताबें भी ले गए थे इंक्लूडिंग सैफे सज्जा उनकी दोस्ती एक शख़्स से हुई जिनका नाम था शेख तनतावी जो बाद में बहुत ही बड़े आ, आ, आलिम बने और मिस्र के एक मुफ्ती भी थे आ, या गालिबा शेख शेख थे चांसलर ऑफ़ अला यूनिवर्सिटी थे तो शेख तनतावी एक बार इनके कमरे में इनसे मिलने आए गिब मुशतबा कामनपुरी साहब चाय बना रहे थे कुछ मसरूफ़ थे तो इन्होंने एक किताब उठाया इसे रैंडमली और उसको पढ़ना शुरू किया इत्फाक़ से थी वो सही फिर सज्जा दिया जो दुआओं को देखना शुरू किया बड़ा उनको इंटरेस्टिंग लगा ये और उन्होंने मुशतबा हसन कामनपुरी साहब से आ, रिक्वेस्ट की कि हम इसको बो करना चाह रहे हैं वो ले गए अपने साथ कुछ अरसे के बाद जब वो वापस आए हैं और किताब उन्होंने वापस दी है तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तुम शियों से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि तुम्हारे पास इतना अजीम इल्मी और रूहानी ज़ख़ीरा है और आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं दूसरे मुसलमानों के साथ आपने इसको महदूद रखा है अपने पास और वह इतना मुतासर हुए थे कि बाद में उन्होंने एक मकाला लिखा जिसमें सैफ़ सजादिया को अपने सुन्नी दुनिया में उसको इंट्रोड्यूस किया है और इसके जहाँ तक अहमियत की बात है एतवार की बात है कि ये इमाम का कलाम है या नहीं इसके बारे में सिर्फ एक मकालमा आपके सामने पेश करना चाहेंगे एक बार सलावाद पढ़ने फ्रेंच के एक मशहूर आलम थे प्रोफेसर हेनरी कॉर्बन जिनको इस्लामियात से बहुत इंटरेस्ट था स्पेशली स्पिरिचुअलिटी और सूफिज़म के बारे में तो वो एक ज़माने में अपनी गर्मी की छुट्टियां जो हैं तेहराम में गुजारते थे डॉक्टर हुसैन नसर के दोस्त थे दोस्त थे और उनके ज़रिए इनकी मुलाकात हुई मरहूम तबा, तबा तबाई से जो हमारे इस सदी में बहुत ही मशहूर मुफसर क़ुरान गुजरे हैं जिनकी आ, तफसीर है अलमीज़ान तो वहाँ वो डॉक्टर हुसैन नसर जो है मुतरजम बनते थे और इन दोनों बुज़ुर्गों में प्रोफेसर हेनरी कॉर्बन और आ, अल्लामा तबा, तबा तबाई में मुख्तल नशस्तें हुई गुफ्तु हुई उसमें एक मौके पर हेनरी कॉर्बन तबा तबाही से पूछा कि ये बताइए कि आपको किस तरह से इतमान है कि ये किताब जो आपके सामने है ये सही फ़े सज्जा दिया ये इमाम जैनद्दीन की किताब है तो तबा, तबा तबाई ने जो जवाब दिया है बहुत ही दिलचस्प है इमाम कहते हैं हमें सनत से कोई ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है तुम हमें इस किताब के मुसन्फ़ का पता बता दो वही हमारा चौथा इमाम है उसे हम अपना चौथा इमाम मान लेंगे यानी इतना भरोसा और एतमाद है कि ये यकीन इमाम जैनदीन का कलाम है इसलिए कि इस टाइप के जो ताबीर हैं जो दुआएँ हैं ये सिवाय साहिब अस्मत के और किसी और के पास से नहीं आ सकती है सलाहत पढ़ने एक बार और अल्हम्दुलिल्लाह ला सैफ सज्जादिया का भी तर्जु आपको उर्दू तर्जुमा भी कई तर्जुमे हो चुके हैं मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब का तरजुमा है मरहूम गालिबाजीशान साहब मरहूम का भी तर्जुमा है आ, और लोगों का भी तर्जुमा है इस सिलसिले में नसीम अमरोही साहब और दूसरे हजरत ने भी मिल के मुख्तलफ़ दुआओं का, का तर्जुमा किया है अंग्रेज़ी में भी कई तर्जमे हुए हैं सबसे लेटेस्ट जो है वो डॉक्टर विलियम चिटिक्स जो आजकल न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी में हैं उनका तर्जुमा है वो डॉक्टर हुसैन नसर के शागिरद थे तो इसमें भी अब शियों के पास कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास जो है ये सिर्फ अरबी में है हमें समझ में नहीं आती है नहीं हमारे पास रिजोस मौजूद हैं अलबा सैफ सज्जाद यह रिसारतूक़ के मुकाबले में ज़ख़ीम किताब है और इसलिए कि इसमें इमाम ने ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ हालात पेश आते हैं उसी हिसाब से मुख्तलिफ दुआएँ मुरतब की हैं जो प्योरली शी थियोलॉजिकल और मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर है और इमाम ने इसमें जो है आ, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिस तरह से हुकूक भी अवेलेबल है आप जाके कम से कम इसकी जो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं उसको देखें एक बार पूरी किताब पढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि कवर टू कवर नहीं एटलीस्ट आप जो फहरिस्त मतलब जो हैं उसका जाके मतलब करें तो आप आशना हो कि कम से कम इस किताब में क्या क्या है ताकि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में अपने को गिरफ्तार पाए तो फिर आपको याद आएगा अच्छा इस सिचुएशन के लिए इमाम ने एक दुआ लिखी है आप जाइए ढूंढिए उस दुआ को और पढ़ना शुरू करें अपने रब से न्याज न्याज कर रहे हैं ज़िक्र करें खुदा वंद आलम से जब आप कलाम करेंगे तब आपके बहुत से मुश्किल जो हैं वो हल हो सकती हैं खसूसा इस दौर में आप देखें काउंसलिंग का बहुत ही रिवाज है और इसमें कोई अबाद की बात नहीं है इसका चर्चा बहुत होता है हर मसले में आप देखें बच्चों के लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है बड़ों के लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है वर्क प्लेस में भी लोगों के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती पड़ती है और ये दर हकीकत जो है मॉडर्न लाइफ का एक आ, अलमिया समझिए इसलिए कि मशरक़ और मग़रब की सोसाइटी में एक बुनियादी फ़र्क है मशरक़ में हम लोगों की जो सोसाइटीज़ थी हमारा जो रहन सहन था जो लाइफ स्टाइल था उसमें एक्सटेंडेड फैमिली जो है बहुत ही मज़बूत थी और उसमें ये होता था कि इंसान सिर्फ तनह नहीं रहता था अगर लोगों के मकान भी अगर अलग अलग हैं तो फिर भी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जो है ज़रा मज़बूत होता था लोग अपने दादा दादी के यहाँ जाते थे अगर उसी घर में न, न रहते हों तो नाना नानी के पास जा सकते थे चचा के पास जा सकते थे मामू के पास जा सकते थे फूफी के पास जा सकते थे ख़ाला के पास जा सकते थे कजिन से आन, उठना बैठना होता था तो उसमें ये होता था कि बहुत से मसाइल जब इंसान फेस करता था तो वो पहला फ्रंट उसका जो है सॉल्यूशन के लिए ख़ुद घर वाले थे एक्सटेंडेड फैमिली में किसी बुज़ुर्ग के पास चले गए घर में अपने मसले को पेश किया वो शायद कोई न, आ, राह हल बताएंगे तो बहुत से मामला जो हैं वो फैमिली लेवल पर हल हो जाते थे लेकिन मग़रबी दुनिया में आने के बाद अब वो उतना स्ट्रॉग जो है फैमिली बॉन्ड रहा नहीं है न्यूकुलर फैमिली हैज़ बिकम मोर स्ट्रॉगर और उसमें यह है कि एक लिहाज से नफसा नफसी का आलम रहता है और इसीलिए आप देखते हैं कि वह जो खला अब महसूस होता है जो मशरक़ी माशरे में नहीं था उतना उस खला को पुर करने के लिए सोसाइटी ने यह काउंसलिंग का शुरू किया है कि लोग ट्रेंड काउंसलर बनते हैं और ज़रूरत है बहर हाल इसकी लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई देखिए आपके पास जो है कुछ रूहानी सॉल्यूशंस मौजूद हैं आप मसलन जो है अगर किसी के को, कोई मसला पैदा होता है आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है पहले तो आप टाइम लें उससे टाइम लेने के बाद फिर आप उसे फ़ीस भी अदा अदा करें वो करता क्या है आपके मसाइल को सुनता है फिर कुछ सॉल्यूशंस आपको बताता है कभी कभी अगर मेडिकल इश्यूज होते हैं तो बहर फिर वो कुछ दवाएं भी प्रस्क्राइब करते हैं जो फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम में उसकी गुंजाइश नहीं होती थी लेकिन बहर हाल जहाँ तक सिर्फ बात सुनने की बात है और नसीहत की बात है तो उसमें आप टाइम भी लें और ये जो है आप फीस भी दें ताकि अपने दिल के जो दर्द है उसको बयान करें ताकि आप अपने जरा पन में ज़रा हल्कापन महसूस करें और जब आप दिल दिल और दिमाग हल्का हो जाता है तो आप ज़रा मुतमिन हो जाते हैं खुश हो जाते हैं ज़्यादातर यही होता है वो काउंसलिंग के सिलसिले में लेकिन इमाम कहते हैं कि देखो तुम्हारा सबसे बड़ा काउंसलर जो है खुदा बंद आलम है वहाँ न टाइम देखने की ज़रूरत है न अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है न दिन रात की बात है न वीकेंड और वीक वीकडेज की बात है न वो तुमसे कोई फीस लेने वाला है और न ये ख़तरा है कि भाई वो कॉन्फिडेंशलिटी रखता है प्रोफेशनल काउंसलर है या नहीं या ये कि हमारी बात जो है मसलन कम्युनिटी में फैल जाएगी आप जो है ख़ुदा आलम से राज व न्याज करें अपने दिल की बात करें खुदा आलम अगर इनसन्सरिटी के साथ आप खुदा से बात करेंगे तो खुदा आलम ख़ुद ही आपके दिल दिमाग में जो सुकून पैदा करेगा और जो राह हल आपके जहन में आएगा तो उसमें आप <coughs> बहुत से मसाइल को आप आसानी के साथ हल कर सकेंगे सलावाद पढ़ने एक बार और <coughs> लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि देखिए ये दुआओं के पढ़ने की बात जो होती है ये आम आम उसूल हम बयान कर रहे हैं कि ये दुआ जो है ये नमाज की तरह नहीं है नमाज हमारे लिए वाजिब है आप मूड में हैं या नहीं हैं थके हुए हैं या फ्रेश हैं ड मैटर नमाज जो है ख़ा नहीं होनी चाहिए पढ़ना है टाइम पे आपको अरबी समझ में आती है या नहीं आती है फिर भी नमाज पढ़ना है आपको दुआ इस टाइप की चीज़ नहीं है दुआ में लाजिमी है कि कम से कम आप समझें आप खुदा वंद आलम से क्या कह रहे हैं ये राज न्याज की जो बातें होती हैं ये उसी वक्त मीनिंगफुल हैं जब आप समझें कि आप क्या कह रहे हैं खुदा वंद आलम से लिहाजा इन दुआओं को पढ़ने से पहले एक बार जो है आप तर्जुमा पढ़ लें तर्जुमा पढ़ने के बाद फिर आप अरबी में पढ़ें चूँकि बहरहाल जो ज़बान अहल बैत ने हमें दी है वो बेहतरीन ज़बान है खुदा वंदे आलम से कलाम करने के लिए तर्जुमों में वो बात नहीं आती है लेकिन कम से कम तर्जुमा सहारा बनती हैं कि आप इस दुआओं के मान वमफूम को समझ सकें मस दुआ को आप हमेशा हफ्ते में एक दिन आप पढ़ते हैं या सुनते हैं आज कल अलमदिल्ला बहुत से सेंट्रीज़ में अरबी के साथ अंग्रेज़ी तर्जुमा भी आता है मसला अगर आप उस पर गौर करते रहें तो तीन चार पाँच बार के बाद आपको फिर तर्जमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप समझ जाएंगे कि अरबी में यहाँ आप क्या कह रहे हैं और जब आप दुआ समझ के पढ़ेंगे तो वहाँ आपकी कैफियत कुछ और होगी और उसका असर भी ज़्यादा होगा और उसमें जो आपको सब, 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 सबक मिलेगा वो अजीब गरीब है मसला आज हम सिर्फ मिसाल के तौर पर इमाम के सैफे सज्जादिया में से एक दुआ एक दुआ है वो भी ज़रा तुलानी है मकारी अखलाक के नाम से दुआए मकारी अखलाक जिसमें इमाम ने खुदा हमसे कहा है कि हम लोग खुदा वंद आलम से दुआ करें कि खुदा वंदा हम में ये अखलाकी सिफतें जो हैं वो पैदा कर लेकिन ये सिर्फ ऑटोमेटिकली दुआ करने से नहीं है इसमें इंडिकेशंस भी हैं कि किस तरह से मांगो क्या समझना चाहिए क्या मांगना चाहिए ये भी तरीक़ा हमने आइमा के दुआओं ही से सुना है मसलन एक ओवान है आगाज़ ही में जहाँ यह है कि खुदावंदा मुझे नेमत की आफात से महफूज रख दोबारा हम दोहरा रहे हैं नेमत की आफात नेमत जो है खुदा आलम की तरफ से ब्लेसंगज़ हैं दुआ ये हो रही है कि खुदा वंदा ये ब्लैसिंग जो तू हमें अता करेगा उसकी आफतों से मुझे महफूज रख इसका मतलब ये है कि हर हर नेमत के साथ हर ब्लैसिंग के साथ कोई न कोई निकमत भी हो सकती है और उससे हमें जो है ख़बरदार रहना चाहिए मसलन एक दुआ होती है वह अग्निनी वे आलै फिर इस तक खुदावंदा मुझे गनी बना किसी का मोहताज न बना और जो रिस्क मुझे अता करता है उसमें वसत दे वला वफिनी बिल बकर लेकिन हमें नाप ना ना नासिपास न बना ना ना नासिपास यानी अनग्रेटफुल न बना ये ना हो कि नेमतें मिलती जाए और हम तेरा शुक्रिया अदा न करें क्योंकि ये आफत बन जाएगी फिर बाद में लोग भूल जाते हैं कभी कभी दुआएं बहुत करते हैं जब फिर नवाजता है खुदा बंद आलम तो कहता है या ये तो हमारे मेहनत का सिला है भाई तुम्हारी मेहनत अपनी जगह पे है लेकिन सलाहियत किसने दी है मौाक़ किसने फराम किए हैं उसको मत भूलो भूलो तुम्हारी मेहनत ज़रूर थी लेकिन खुदा की तोफ़ी थी जहाँ तुम कामयाब हुए हो लिहाजा खुदा आलम का शुक्र शुक्रगुजार बंदा बनो सपास गुजार बंद बनो ना शिक्रा मत बनो उसके बाद मसला एक और है, उसके बाद वाय वाला तब तिलनी बिल खुदा वंदा मुझे जो है इज्जत अता कर लेकिन मुझे जो है आ, गुरूर और किब्र से मुबतला मत कर इज्जत चाहिए खुदा वंदा लेकिन ये ना हो कि इज्जत हमें देने के बाद मुझ में गुरूर भी आ जाए तकबर भी आ जाए इसलिए आप देखें कि अमली तौर पे भी इमाम ने बहुत सी मिसालें है दी हैं अपनी ज़िंदगी में हज के लिए जाते थे अक्सर तो अपने काफ़िले के साथ नहीं जाते थे ऐसे काफ़िले के साथ जाते थे जो लोग उन्हें नहीं जानते थे ताकि काम में सबके साथ वो शेयर कर सकें काम करने में ये उनवान होता था कि खुदा मुझे इज़्ज़त दे लेकिन उसमें हमें तकबर से दूर रहें

अपोजिट्स बातें हो रही है व हबल मिन माल वन मिलफ्र खुदा वंदा मुझे अखलाक के बेहतरीन सिफात अता कर लेकिन मुझे फ़्र से जो है महफूज़ रख ये ना हो कि हम नेक मंदे बने अच्छा अखलाक हो लोग मेरी तारीफ करें तो मुझे फ़ख्र गुरूर आ जाए दूसरों को फिर हम कमतर समझने लगें और आखिरी जुमला इस इस, इस, इस का ये है वह अजरी लन्नासी अलाखैर खुदांदा मेरे हाथ से लोगों के लिए नकी और खैरत जारी कर यानी खुदा वंदा मुझे दे मेरे लिए भी और मेरे हाथ को ज़रिया बना के हम दूसरों को खैरत भी दे सकते हैं लेकिन खैरात देने में भी एक आफत आ सकती है वला तम हकू बिलमी लेकिन इस तरह से ना हो कि हम खैरात देते वक्त इस तरह से लोगों को खैरात दें जिस तरह से उन पर हम एहसान और मिन्नत रखते हों इसलिए कि उस टाइप की खैरा का कोई अजर सवाब खुदा के नज़र में नहीं होता है सुरे बकरा के एंड में खुदा आलम ने कई आयतें नाजिल की हैं तफसीली आ, आ, आयत टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर वगैरह के बाद अगर आप देखें जहाँ देखेंगे कि खुदा वंद आलम ने खैरात के सिलसिले में कहा नहीं है कि तुम दो उतना कितना दो बल्कि उन आयात में खुदा वंद आलम ने कैफियत पर जोर दिया है कि जब तुम और सदकात देते हो तो देखो तुम्हारी नीयत पाक होनी चाहिए और और सदकात देने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि जो मुस्तक़ है वो जो है अप, अपने को जीर मन्नत न समझे जलील और ख़ार बना के उसकी मदद न करें बल्कि उसके इज्ज़त नफ्स को भी आप बाकी रखें एक वान है मसलन हम लोग नमाज के बारे में सुनते हैं कि नमाज में ये काम किया तो नमाज बातिल हो जाएगी रोज़े के बारे में है कि रोज़े की हालत में ये काम किया तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा हज में बहुत कुछ है ये किया तो आपका हैराम मसला बातिल हो गया या तवाफ बातिल हो गया खैरात और सदक़त के बारे में येवान हम लोग सुनते नहीं हैं जबकि खुदा खन्द आलम ने कुरान में कहा है उसी शुर बकरा में यादीना मन तुब तिलोदात कुम बिलमन वाव ऐसा हिबान ईमान अपने सदक़त को मन्नत रख के और अजियत पहुँचा के तुम बातिल मत करो यानी किसी की मदद आपने की लेकिन इस तरह से की कि उस पर एहसान रख रहे हैं आप जता रहे हैं आप या इस तरह से दी कि उसे आप जलील और खार करके दे रहे हैं खुदा कहता है आपके सदक़ा खैरत जो है बातिल हो गया उसका अजर सवाब खुदा नहीं देगा तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो आ, दुआएं हैं जो इमाम ने दी है उसमें वाकया इंसान अगर ग़ौर करे, इस पर मेहनत करे तो उसको यकीन अपने अखलाक़ी और रूहानी बरतरी जो हासिल कर सकता है उसे एक बहुत ही नया उफ़ नज़र आएगा न्यू विंडो इंटो स्परिचुअलिटी और ये दर हकीकत बरकत है सैफ़ सज्जा दिए इमामबिदी सलाम सलावाद पढ़ने के इमाम ने सिर्फ ये दुआ वग़ैरह जो बयान की हैं ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं इमाम अमली तौर पर नमूना थे सदक़त खैरत के सिलसिले में कि अक्सर जो है रात के वक्त अपने कंधे पर रोटियों को ले कर जाते थे बोरी में और तकसीम करते थे गरीबों के घर में दरवाज़े पे लेकिन चेहरे पर नकाब रखते थे ताकि उनके उन्हें अंदाजा न हो कौन दे रहा है अक्सर जो है वो आ, गरीबों के बच्चे जो हैं वो रात को देखते थे कि वो आ रहा है बंदा तो कहते थे साहिबल जराब आयानी वो शख़्स जो नकाब पहने हुए वो आ रहा है और इमाम की वफ़ात के बाद लोगों को मालूम हुआ अच्छा ये जो रात को आते थे वो थे इसलिए कि फिर वो सिलसिला ख़त्म हो गया हर मौसम के अखताम इخ, इخ, में चूँकि हर मौसम में लोगों के लिबास बदल बदलते रहते गर्मी में कुछ और पहनते पे, सर्दी में आ, कुछ और पहनते हैं इमाम का एक तरीक़ा था कि जैसे मौसम ख़त्म हुआ जो लिबास इस्तेमाल किया था वो दे देते थे खैरात और सदक़ात में उसको नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं रखते थे सर्दी का ज़माना आया फिर ख़त्म हो गया तो वो सर्दी के कपड़े भी फिर दे देते थे ये एक तरीक़ा था इमाम का कि एक, एक बहाना बनता था कि चलो हम अपनी चीज़ें जो हैं अब दूसरों में तकसीम कर दें जिंदगी में दो बार इमाम ने अपने तमाम असास् दुनिया को जमा किया और उस, उस उसको जो है आ, लोगों के दरमियान जो है आ, दो दो हिस्सों में करने के बाद एक हिस्सा जो है खैरत और सदकात में दे देते दे 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 थे ये जो आप आजकल समझ सुनते हैं बड़े बड़ों के बारे में कि वो जो है चैलेंज करते हैं एक दूसरे को कि चलो अपनी चैरिटी में इतना दे दिया जाए ये सब मिसालें जो हैं हमारे इमाम हसन से मिल सकती हैं आपको इमाम आबिदीन से मिल सकती हैं कभी कभी इमाम जो हैं रिश्तेदारों की भी मदद करते थे इन्होंने उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता था एक बंदा था कि जो रिश्तेदार था और अक्सर शिकायत करता था अपने दूसरे रिश्तेदारों से कि भाई इमाम जैन अलाब्दीन जो हैं दूसरों की तो मदद करते हैं लेकिन हमारी मदद नहीं करते हैं बाद में इमाम के वफात के बाद उस बंदे को मालूम हुआ कि भाई तुम्हें जो कभी कभी जो आ, मदद पहुँचती थी दूसरे के ज़रिए वो उसका सोर्स जो है ख़ुद इमाम जैन अलाब्दीन थे वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्टली आपको दें ताकि आप जो है ज़रा शर्मिंदगी महसूस करें ये अज़मत थी इमाम अलैहिस्सलाम की और जिस तरह से हमने आपको दिया मिसाल दी थी कि इमाम जो है ये सदक़ात उस आ, के सिलसिले में दुश्मन को भी अपनी सदक़ात से रोकते नहीं थे मरवान की मिसाल हमने आपके सामने दी है कि किस तरह से जब वक्त आया कि इमाम जो हैं उसके घर वालों को अपने घर पनाह दें तो इमाम ने मना नहीं किया बल्कि इमाम ने मरवान जैसे खबीस दुश्मन के बीबी बच्चों को भी अपने घर पनाह देते हैं यह मिसाल आपको मोमिन की ज़िंदगी में भी मिलेगी आपको हुसैन इब्न अली का बर्ताव हुर के साथ क्या था दुश्मन बन के आया था लेकिन पानी से सहराब किया इसलिए कि अपनी अखलाकी बरत बरतरी अपनी जगह पर महफूज रखनी है वरना ये बात नहीं है कि जब मरवान बिन हकम को आ, के घर वालों को इमाम ने पन्ह दी और बाद में अपने बेटे के ज़रिए उनको हफाजत के साथ मदीने के बाहर जो बाग था उनकी जो प्रॉपर्टी थी वहाँ जा के उनको रखा ताकि वो आ, आसाइश के साथ और आज़ादी के साथ रहें इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम जो है भूल गए थे मसायब करबला को नहीं इमाम हमेशा करबला के मसाइब को पानी जब आता था तब भी याद करते थे बल्कि एक वान जो है हुसैन इब्न अली के लिए बहुत ही मुनफरद है इमाम रबा आसमाम ने भी जब मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ है इबन शबीब से यही कहा था क्या शबीब तुम्हें मा, मालूम है कि चांद हो चुका कि नहीं जब मालूम हुआ हा कि हाँ चाँद हो चुका है तब फरमाते हैंबन शबीब इन कं तबा किन अलाश इन अगर तुझे किसी चीज़ पर रोना हो फुसैन तो अगर रोना है तो हुसैन पर रोना फ़ा न इसलिए कि हुसैन को ज़बह किया गया है <coughs> कम युज़ बहस जिस तरह से दुम्बे को ज़बह किया जाता है हुसैन हमारे ग्यारह आइम्मा में सब के सब शहीद हैं ज़्यादातर जो है जहर के ज़रिए शहीद किए गए हैं तलवार का इस्तेमाल दो जगह हुआ है एक अमीर मोमेंट के सिलसिले में लेकिन वो ज़रबत लगी थी और दो तीन दिन के बाद शहादत वाक़ हुई है उसी ज़रबत की वजह से लेकिन अगर जबीह का अगर है कि इन युज़बह इस इस इसलिए कि उन्हें ज़बह किया गया है इस ज़बीह का नवान सिर्फ़ हुसैन हुसैनबन अली के लिए है जब शिम्र मलून ने आके इमाम हुसैन साम के गर्दन को पस गर्दन से जो है सर तेज जुदा किया है ने हुसैन ये वो वोवान था इमाम रजा आलाम कहते हैं दुम्बे की तरह लेकिन मौला से सिर्फ़ एक जुमला कहेंगे इमाम जैनिद्दीन से पुरसे के तौर पे हुसैन अली के सिलसिले में कि मौला दुम्बे को भी पानी दिया जाता है लेकिन हाँ आपके बाबा को आखिर वक्त में करबला में पानी नसीब नहीं हुआ इसलिए जब भी इमाम जैनिद्न के लिए रोजाना बाबा को याद करने का मौका था बस कभी अगर बाजार से गुजर हुआ जब कस कसाब की दु, दुकान से जब वो लोग देखते थे कि इमाम इस बदीन आ रहे हैं फौरन जो है अपने उस गोश्त का जो जो उनका व्यापार था उसके ऊपर जो है चादर डाल देते थे ताकि इमाम की नज़र जो है उस जबर शुदा जानवर पर न हो लेकिन फिर भी इमाम रुकते थे और पूछते थे अहकसाब क्या तुमने इस जानवर को ज़बह करने से पहले पानी दिया था नहीं उस वक्त वो इमाम से फरमाता था कि मौला यकीन आपके के जद की शरीय है कि जानवर को ज़बह करने से पहले पानी दिया जाए इमाम फरमाते थे लेकिन हाय मेरे बाबा उन्हें कत्ल कर दिया गया और उनको बिल्कुल पानी न दिया गया बस आखिरी वसीय तो आप पर हम बात को ख़त्म करना चाहेंगे और जहमत तमाम हुई कि इमाम जहरबिदीन ने जब आखिरी वक्त आया है जहर का असर जब इमाम मोहम्मद बाकिर को बुलाते हैं और एक वसीयत करते हैं कहते हैं बेटा अगर तुम ऐसे शख्स को देखो जिसका मददगार और नासिर कोई न हो उस पर खबरदार कभी जुल्म न करना मौला से कहेंगे मौला आप मासूम है बेटा मासूम है लेकिन इस नसीहत की वजह क्या है अजब नहीं कि मौला के जहन में वो तस्वु वो तस्वुर अभी भी रहा होगा कि बाबा करबला में आखिर वक्त में हल मिलना सर एक नारा बुलंद करते रहे लेकिन किसी ने बाबा की नुसरत न किया और मुझे करबला छोड़ना पड़ा इस तरह से कि बाबा का लाशा बे गोर कफन दस्ते करबला में पड़ा रहा ख़ुदा कबूल फरमा हमारे गुनाहों को बख्श दे हमारी तोफ़ीक में इजाफा फरमा ख़ुदा खुदांदी जहाँ भी हैं उनको अपने हफ्ज़ामान में रख उनके अज़ादारी कबूल फरमा तकफीरी अफवाज की जितनी सलाहियत हैं खुदा वंद उसे नस्त तो नाबूद फरमा इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा रबना तकबल मन का तस्मियनिम